फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान हैबिटेट में मैं डॉक्टर अमृता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फोरेंसिक डेली न्यूज़ के थ्रू मैं स्टार्ट करती हूँ आज यूजीसी नेट जून 2023 का फोरेंसिक साइंस क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज नंबर 2। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे और भी इंस्पिरेशन मिले, ताकि मैं और क्वेश्चंस बनाऊं या और फीड्स आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेरिएशन इन द जीन कोडिंग फॉर मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर हैव बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है रेड हेयर कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन केस ऑफ GSM मोबाइल फोन्स इनिशियल 8 डिजिट्स ऑफ द 15 डिजिट IMEI नंबर आर नोन एज TAC कहा जाता है, इसे टाइप एलोकेशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सिस्टम इज यूज टू प्रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन। तो आंसर है इसका सुपर ग्लू इम्प्रेशन ऑन मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इसे हम और भी अदर वर्ड में बोला जाता है साइनोएक्रिलेट फ्यूमिगेशन मेथड या साइनोएक्रिलेट मेथड, जिसे हम सुपर ग्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टायर मार्क्स अकर व्हेन रोटेटिंग एंड टर्निंग ऑफ टायर्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब कि सीधे भी जा रहा है और दाएं बाएं भी रोटेट ट्विस्ट कर रहा है, तो इसे हम यॉ मार्क कहते हैं, इस मार्क को हम यॉ मार्क्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द राइट इंडेक्स एंड द राइट मिडिल फिंगर आर वर्ब्स एंड ऑल द अदर आर लूप्स, द हेनरी प्राइमरी क्लासिफिकेशन इज 17/9। इसका करेक्ट आंसर है 17/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर लिफ्टिंग एंड प्रिजर्विंग डस्ट इम्प्रेशन। तो इसको हम लिफ्ट और प्रिजर्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, द थिन इंक फ्री लीनियर पैटर्न प्रेजेंट विद इन द इंक स्ट्रोक ऑफ अ बॉल पेन राइटिंग आर नोन एज, इसको हम ब्लर स्ट्राइएशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योरिटी फीचर प्रेजेंट ऑन द प्लास्टिक करेंसी। तो इनमें से कौन से सिक्योरिटी फीचर होते हैं प्लास्टिक करेंसी में, आप लोगों ने देखा होगा कैनेडियन डॉलर या फिर USD या अदर की कोई भी प्लास्टिक करेंसी, उसमें होलोग्राम होता है जो कि इसकी सिक्योरिटी फीचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, इन द पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द जिलेटिनस और ग्लूटिनस मटेरियल आर एडेड टू फिल स्पेसेस बिटवीन द फाइबर्स सो दैट द इंक विल नॉट स्प्रेड और फेदर व्हाइल राइटिंग, दिस इज नोन एज साइजिंग कहते हैं इसे, कि उसी जगह में इंक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, फोर्जरी हैज़ बीन डिफाइंड एज डिफाइंड इन द सेक्शन, कौन से सेक्शन में किया जाता है इसको डिफाइन, उसे हम सेक्शन 463 IPC के सेक्शन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल कंडीशन आफ्टर डेथ स्केलेटल मसल्स कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई फॉर कितने घंटे तक या कितने मिनट्स तक। तो आंसर है, करेक्ट आंसर है 2 to 3 hours, अप टू 2 to 3 hours। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द विच ऑफ द बिलो मेंशन ऑप्शंस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस द बॉडी टू बी एग्जीम्ड फॉर री एग्जामिनेशन। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 176 CRPC। आप लोगों को पता होगा एग्जीमेशन कहाँ होता है, क्यों होता है और री एग्जामिनेशन कहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, टेम्पररी और डेसीडुअस टीथ इन ह्यूमंस आर 20 इन नंबर एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच जॉज। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ में प्री मोलर्स नहीं होते, बाकी तो आप जो देख सकते हो आंसर है करेक्ट, 4 इंसाइजर्स 2 केनाइन 4 मोलर्स, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर क्वेश्चन, the earliest regression formula for estimation of stature from long bones was developed by Pearson. Sahi answer Pearson hai. Next question hai, scanning densitometers
in HPTLC scan, the spots of HPTLC plates are based on which of the following phenomena? So absorption is the phenomena. Next question, 42 number. Which of the following are desirable properties of emission spectrometer? So desirable properties two होती हैं. एक तो low stray light होना चाहिए. दूसरा accurate and precise wavelength identification होता है होना चाहिए. ये in ABCD conditions में दिया हुआ. तो combination which is correct is option number 3, A and C. Next question हमारा होता है, which of the following are hyphenated methods? GC, FTIR, UV visible, CEMS, TOF MS, LCMS. तो correct answer हमारा होता है यहाँ, मैं mark कर देती हूँ. So next question है, physical effect of stimulate abuse generally include which of the following? और देखने के लिए थैंक यू सो मच. और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को वापस से बताना चाहती हूँ, ये वीडियो पॉसिबल हुआ आप लोगों के प्यार से और कुछ कंट्रीब्यूटर्स के हेल्प से, जैसे कि मिस श्रद्धा हांडा, श्रेया अरोरा और मिस प्रगति राय. इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और इन लोगों ने मेरे साथ एक क्वेश्चन पेपर को शेयर किया था. प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच.